हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये PHP विथ माई स्कोर का 50 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग इंसर्ट करेंगे मल्टीपल रिकॉर्ड को। तो आप यहाँ देख सकते, होस्ट नेम लिख चुकी है लोकल होस्ट, यूज़र नेम जो है रूट है। आप यहाँ देख सकते हैं होस्ट नेम जो है आपका लोकल होस्ट है, यूज़र नेम आपका रूट है और पासवर्ड कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ कोई सेट नहीं किए। तो यहाँ हमने यहाँ पर पासवर्ड कुछ भी नहीं दिया है। नेक्स्ट क्या है, डेटाबेस। डेटाबेस देखिए हमारा यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ देख सकते हैं डेटाबेस जो है यूनिवर्सिटी है और इसमें जो है स्टूडेंट्स टेबल है। तो ये डेटाबेस मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे कनेक्ट एक वेरिएबल बनाई हूँ जिसमें माई स्कूल ही कनेक्ट है, होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और जो आपका नाम है डेटाबेस का वो डाल चुकी हूँ। अगर कनेक्ट नहीं होता है तो इससे डाई कर दे। तो नेक्स्ट हम इंसर्ट कर रहे हैं मल्टीपल रिकॉर्ड को, तो एक वेरिएबल बना लेती हूँ $SQL और इसमें हम इंसर्ट इंटू करूँगी। इंसर्ट इंटू तो स्टूडेंट टेबल लिख लूँगी, स्टूडेंट्स, और जो भी आपका फील्ड है। तो यहाँ मेरा फर्स्ट नेम है, फिर है लास्ट नेम, नेक्स्ट है ईमेल, और उसके बाद आपको वैल्यूज़ लिखना होगा। तो मान लीजिए कि मैं मल्टीपल रिकॉर्ड दे रही हूँ, तो पहला मान लीजिए वैल्यूज़ जो है, तीन वैल्यू डाल देती हूँ। तो पहला तो मैं नेहा सिन्हा डाल चुकी हूँ। अब मान लीजिए अपूर्वा सिन्हा कर देती हूँ और उसका मान लीजिए ईमेल है अपूर्वा सिन्हा @gmail.com। देखिए इंसर्ट इनटू मैं माई स्कूल में बता चुकी हूँ ट्यूटोरियल में, आप चाहे तो उसे रेफ़र भी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नेक्स्ट मल्टीपल रिकॉर्ड डालना है तो आप यहाँ पे कमा डालें और उसके बाद एक और वैल्यूज़ डाल सकते हैं। उसी तरह से मैं फिर एक और कमा देती हूँ, फिर एक और वैल्यू डाल देती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वैल्यू क्या है, मान लीजिए कि मैं आयुषी डाल देती हूँ फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम मान लीजिए आयुषी सिन्हा, @gmail.com। नेक्स्ट जो नाम है मान लीजिए सारा सिंह @gmail.com। तो ये आपका इंसर्ट हो गया, तीन वैल्यू, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जिसमें कि ये पहला ये है यूज़र, दूसरा ये है और तीसरा ये है। नेक्स्ट हम वेरिएबल बनाते हैं $result और इसके अंदर हम लोग माई स्क्वेरी क्वेरी डाल दूंगी। और माई स्क्वेरी क्वेरी क्या करता है, क्वेरी पास कराती हूँ। तो चलिए पहले माई एसक्वेरी क्वेरी कर देती हूँ और इसके अंदर ये दो पैरामीटर लेता है। पहला आपका, इसमें हम लोग क्वेरी पास कराते हैं जो भी माई स्क्वेरी का क्वेरी है वो। तो पहला हम डॉलर कनेक्ट कर लेती हूँ, तो पहला पैरामीटर जो है कनेक्ट लेगा और दूसरा पैरामीटर जो है क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी आ गया। अगर ये एसक्यूएल क्वेरी सही है तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ लिख देती हूँ $result। अगर ये सही है तो इको कर दे न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली कर दे, नहीं तो एल्स पे जाए। और यहाँ एरर दे दे, एल्स इको कर दे एरर, और यहाँ हम माई एसक्यूएली एरर कर देते हैं, माई एसक्यूएली एरर, और इसके अंदर लोग डॉलर कनेक्ट पास करा देती हूँ। अगर ये एरर कुछ गलती हुआ तो ये एरर दे देगा, ठीक है। इसे सेव कर लें और यहाँ देखिए माई स्कूल क्लोज़ हो चुका है, और इसे और यहाँ मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो देखिए न्यू रिकॉर्ड हैज़ बिन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये जो अगर ये सब इंसर्ट हो गया होगा तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया होगा। और यहाँ पे हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं, इसे रिफ़्रेश कर दें। यूनिवर्सिटी डेटाबेस है और इसके अंदर टेबल है स्टूडेंट्स, इस स्टूडेंट्स टेबल पे जाएं और देखिए यहाँ पे
फर्स्ट नेम जो पहले से मैं डाल चुकी थी, सेकेंड नेम अपूर्वा सिन्हा, ये आ गया है। थर्ड जो आपने आयुषी सिन्हा डाला था वो आ गया है, और फोर्थ सारा सिंह आ चुका है। तो आपने इस ट्यूटोरियल में देखा कि किस तरीके से हम लोग वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं मल्टीपल रिकॉर्ड को। पहले आपको इंसर्ट इनटू लिखना होगा, उसके बाद स्टूडेंट का नाम, जो भी आपका टेबल का नाम है वो लिखें, उसके बाद फील्ड दें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, और वैल्यूज़ कितना भी आप डाल सकते हैं। माई एसक्यूएल क्वेरी में हम पास करा देंगे एसक्यूएल और कनेक्ट वेरिएबल, और उसके बाद यहाँ पे अगर ये सही है तो इंसर्ट कर देगा। थैंक यू सो मच गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।